मैं सुशांत और स्वागत है आपका फिर से ज्ञान आयकन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कॉस्मोस बैंक के FSC कोड को बिल्कुल आसान तरीके से अपने मोबाइल में कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप कॉस्मोस बैंक के FSC कोड को बिल्कुल आसान तरीके से अपने मोबाइल में पता करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को देने पर लाइक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपको बेल आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आज चल रहा है कि आप कॉस्मोस बैंक के FSC कोड को बिल्कुल आसान तरीके से अपने मोबाइल में कैसे पता कर सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक के FSC कोड को बिल्कुल आसान तरीके से अपने मोबाइल में पता करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेना है। तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीन लिंक दिखाई देंगे, ठीक है। तो दोस्तों FSC कोड ढूंढने के लिए यहाँ पे आपको तीन लिंक मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको किसी एक लिंक पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं किसी एक लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। वेट करने के बाद दोस्तों फाइनली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी बैंक को ढूंढने के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, FSC कोड को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक का, ठीक है। तो दोस्तों आप जिस भी बैंक का FSC कोड को पता करना चाहते हैं आपको सिंपली उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट का, ठीक है। तो दोस्तों आपका बैंक जिस भी स्टेट में होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो दोस्तों आपका बैंक का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चौथा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट ब्रांच का, ठीक है। तो दोस्तों आपका बैंक का जो भी ब्रांच होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा नीचे में यहाँ पे FSC कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका बैंक किसी एक लिंक पे नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे तीन लिंक दिए गए थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको तीनों में चेक करना है, ठीक है, तीनों में किसी न किसी में एक आपका बैंक जरूर मिल जाएगा, ठीक है, एक लिंक पर, ठीक है। तो आपको तीनों लिंक आपको चेक करना है, जितना भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया था, ठीक है, अगर आपका बैंक नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे से कमेंट करना आप लोगों को भूलना नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तो तक के लिए ओके बाय।